हे हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अवनीत गुप्ता और आज का जो मेरा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा आप लोगों को। ये है 5 थिंग्स विच यू शुड नॉट अप्लाई ऑन योर फेस। ऐसी 5 चीज़ें जो आपको अपने फेस पे अप्लाई नहीं करनी चाहिए, जो आपको लगता है कि आप यूज़ करो और लोग कर रहे हैं बट यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो जितना बेनिफिट नहीं देंगे ज़्यादा आपको एडवर्स इफेक्ट दे देंगे आपके फेस पे। तो उसमें सबसे पहले है सोप, बार सोप। सोप हमारी बॉडी के लिए है, उसमें लॉरियल सोडियम लॉरियल सल्फेट होता है जो कि उसमें फोम क्रिएट करता है। तो फोम हम सबको बहुत पसंद होता है, नहाते समय अगर फोम नहीं आ रहा है तो हमें लगता है कि सफाई नहीं हुई। मगर सोडियम लॉरियल सल्फेट जब हम फेस में लगाते हैं, बिकॉज जो भी हम बार सोप लगाते हैं जब उसमें सोडियम लॉरियल सल्फेट होता है और वो जब हम फेस में लगाते हैं तो स्किन को ड्राई आउट कर देता है। सोप इज अल्कलाइन, हमारी स्किन का पीएच होता है 5.3 to 5.5, ठीक है, ये एसिडिक होता है। तो एसिडिक पीएच का फायदा ये होता है कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जो खराब बैक्टीरिया होते हैं या जो फंगल इन्फेक्शन होता है, फंगस होते हैं, वो हमारी स्किन को एब्रे अंदर जा नहीं पाते, इन्वेड करके अंदर नहीं जा पाते, बिकॉज पीएच एसिडिक है, वो उनको वहीं पे किल कर देता है। मगर जब आप बार सोप अपने चेहरे पे लगाते हैं, बार सोप लगाने के बाद आपके फेस में एसिड बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है, बिकॉज बार सोप होता है अल्कलाइन, अल्कलाइन हुआ और ये एसिड बैलेंस को ब्रेक कर देगा, तो वो वहाँ पे आपको स्किन भी ड्राई फील होगी और साथ ही साथ आपके वहाँ पे बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो डोंट यूज बार सोप ऑन योर फेस, इंस्टेड ऑफ दिस यूज अ गुड फोमिंग फेस वॉश। आई सजेस्ट टू यूज चारकोल फेस वॉश बिकॉज इट कंटेन एक्टिव चारकोल विच एब्जॉर्ब ऑयल एंड डर्ट, तो ये आपको फेस को बहुत ज़्यादा क्लीन करेगा। तो यूज चारकोल फेस वॉश, मुझे ये वाला एल्बिडो का अच्छा लगता है। दूसरा, पेट्रोलियम जली। मम्मी नानी दादी दादा सब लोग खूब सारे पेट्रोलियम जली पोत देते थे बच्चों को, मतलब मेरे को तो बचपन में खूब लगा लगा के मालिश करते थे। कोई भी चीज़ ड्राई हुई, हाथ पैर ड्राई हो रहे हैं, चेहरा फट रहा है, पेट्रोलियम जली उठाओ, पेट्रोलियम जली उठाओ और लगा लो। बहुत कॉमनली आज भी चल रहा है, पेट्रोलियम जली लो और लगा लो। अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है, फट रही है, कुछ भी स्किन इशू है तो पेट्रोलियम जली लेके लगा लो। नहीं, जेली तो ठीक है, पेट्रोलियम एज नेम सजेस्ट, इट कंटेन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो बैरल होता है, जो जहाँ से पेट्रोल बनता है, क्रूड ऑयल होता है उसके बैरल में नीचे जो जमता है, दैट्स कॉल्ड पेट्रोलियम जेली, उससे बनता है वो। तो वो हमारी स्किन में कोमेडोजेनिक होता है, वो हमारे स्किन के पोर्स को क्लॉक कर देता है। जब स्किन के पोर्स क्लॉक हो जाएंगे तो क्या होगा, स्किन के पोर्स क्लॉक हो गए हैं तो आपके एक्ने प्रोन स्किन हो जाएगी, एक्ने होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो डोंट यूज पेट्रोलियम जेली ऑन योर फेस और योर ऑन योर बॉडी, बिकॉज वो पोर्स अगर क्लोज करेगा तो वो आपके एक्ने कॉज हो सकते। और मेरी लिस्ट में है थर्ड है बॉडी मॉइस्चराइजर लोशन। बहुत बड़ी बड़ी शीशियाँ आती हैं, खूब इंसान खुश होता है, इतनी बड़ी शीशी 100 रुपये में 50 रुपये में खूब सारी बड़ी बड़ी शीशियाँ होती हैं और लोग ले लेते हैं और बॉडी में लगाते हैं। बॉडी मॉइस्चराइजर इज मेड अप फॉर बॉडी गाइज, उसको फेस पे मत अप्लाई करो बिकॉज वो अगेन सेम कोमेडोजेनिक होता है, वो आपके पोर्स को क्लॉक कर देगा। इट्स मेड फॉर बॉडी नॉट फॉर फेस, बॉडी की स्किन अलग होती है, फेस की स्किन अलग होती है। तो जब आप इस तरीके के बॉडी मॉइस्चराइजर को फेस पे लगाते हैं तो वो आपकी स्किन को पोर्स को क्लॉक कर देता है और एक्ने प्रोन बना देता है, और आपको एक्ने टेंडेंसी अगर है और तो वो फेस को और ज़्यादा ऑयली करेगा और एक्ने कॉज कर देगा। तो इससे अच्छा है कि आप उसको अप्लाई ना करें। फिर इसके बाद है फोर्थ मेरी लिस्ट में है रबिंग अल्कोहल। एस्ट्रिजेंट आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे लोग क्लीन करने के बाद एस्ट्रिजेंट यूज़ करते हैं, फेस को अल्कोहल से क्लीन करते हैं और ऑयल को रिमूव कर लेते हैं। अल्कोहल इज़ वेरी गुड टू रिमूव एक्सेस फेशियल ऑयल। अगर आपके ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो आप अल्कोहल से जब क्लीन करते हो तो आपकी स्किन को ठंडक देगा और ऑयल को ख़त्म कर देगा और ड्राई कर देगा। यही सबसे बड़ी चूक होती है। आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपने सोचा कि मैं बहुत होशियार हूँ और मैंने अल्कोहल से क्लीन कर लिया है, अब मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद का डॉक्टर बनूंगा, मैंने गूगल पे पढ़ाई करी है खूब सारी और अब मैं अल्कोहल लगा लगा के क्लीन करके अपनी ऑयली स्किन को ड्राई कर लूँगा और मेरे एक्ने भी ख़त्म हो जाएंगे। तो भाई यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, यहीं पर सबसे बड़ी मात खा रहे हैं। अल्कोहल आपकी स्किन को ड्राई करता है, एक्सेसिव ऑयल को रिमूव करता है, दैट्स वेरी ट्रू, इट्स वेरी गुड। मगर अभी वो एक चीज़ और कर रहा है, हमारी बॉडी में जो स्किन में ऑयल जो होता है, जो प्रोड्यूस ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, हमें स्किन में ऑयल भी ज़रूरी होता है। अभी जब किसी की बॉडी में हार्मोनल इन्फ्लुएंस के कारण, एंड्रोजेंस के लेवल बढ़ने के कारण ज़्यादा एक्सेस ऑयल बन रहा है, अभी जब आप उसको रिमूव कर देंगे
और स्किन ड्राई हो जाएगी तो बॉडी को लगेगा कि स्किन को लगेगा कि ओ ऑयल तो है ही नहीं, तो वो और ज़्यादा एक्सेसिव ऑयल बनाएगी, तो वो आपकी स्किन को और ज़्यादा ऑयली करेगा और ज़्यादा एक्ने प्रोन स्किन हो जाएगी आपकी। तो बिकॉज आप उसको रिमूव कर रहे हैं तो वो और ज़्यादा ऑयल को प्रोड्यूस करके आपको डैमेज करेगा। इससे अच्छा है कि आप यूज़ करें मिसलार फेस क्लींजर, विच इज़ अ फेस क्लींजर विदाउट एल्कोहल। इट्स वेरी गुड, आपके पूरे डर्ट को क्लीन करेगा और पूरा मेकअप भी रिमूव कर देता है और स्किन को सूदिंग इफेक्ट भी देगा और पूरा मेकअप को क्लीन करके आपको विदाउट अल्कोहल ये आपको साफ कर देगा। और एल्स आप ये भी यूज़ कर सकते हो ब्यूटी वाटर स्टेप वन। ब्यूटी वाटर का बहुत अच्छा है, मैं एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ। मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ इसके बारे में, टॉपिक बनाया है तो अब मैं इसमें छोटा सा ऑयल लूँगा। मैं बहुत जल्दी बताऊँगा इसमें ऑयल को ये किस तरीके से ड्राई आउट कर देता है। तो ये इसने दूध बना दिया है, इसको फाड़ दिया है ऑयल को, तो ये ऑयल को पूरा डिसॉल्व कर देता है। तो आपके फेस में बहुत ज़्यादा ऑयली फेस हो रहा है आपका, बहुत ज़्यादा ऑयली की दिक्कत है स्किन में, तो ये आप ब्यूटी वाटर का स्प्रे करिए। इसमें स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री आते हैं जो हाईली एंटीऑक्सीडेंट वाटर होता है और स्किन को हेल्दी भी रखता है, एक्ने भी खत्म कर देता है और आपके एकदम शाइनी लुक देता है। और फिफ्थ मेरी लिस्ट में है जो हमारे इंडिया में तो खैर नहीं होता है, आई डोंट थिंक कोई ऐसा करता है, बट वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत पॉपुलर है सीमेन फेशियल, स्पर्म फेशियल। बहुत से लोग मेरे इंस्टाग्राम में पूछे हैं इस बारे में कि स्पर्म फेशियल क्या है, करना चाहिए क्या है कुछ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि नो। ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टडीज है, उसमें कहते हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, सब कुछ होता है। गाइस प्रोटीन अगर है उसके अंदर, यस उसके में सीमेन में स्पर्म में प्रोटीन होता है, बट दैट डजंट मीन, मीट में भी प्रोटीन होता है, चिकन में भी प्रोटीन होता है, तो आप मीट उठा के अपनी स्किन में नहीं लगाएंगे, चिकन उठा के अपनी स्किन में नहीं लगाएंगे। उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, इट्स गुड, बट उसमें बहुत सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी आपको ट्रांसफर हो सकती हैं, तो बिकॉज आप जब फेस में लगाते हैं तो आईज के थ्रू या आपके जो म्यूकस ग्लैंड उनके थ्रू जा सके, आपको डिजीज ट्रांसमिट कर सके। तो प्लीज़, वैसे तो ये बहुत ही फनी था टॉपिक मैंने जो लिया, ये वाला इंडिया में तो नहीं होता है बट जो वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, तो मैं उनके लिए बता दूँ कि प्लीज़ अगर आप कहीं जा रहे हो बाहर या मेरा वीडियो आप कहीं किसी और कंट्री से देख रहे हो, तो अगर आप सोच भी रहे हो कि स्पर्म फेशियल लें तो ना लें, वो आपकी स्किन को हेल्दी नहीं करेगा। इससे अच्छा है कि EGF ग्रोथ फैक्टर या उन सब की चीज़ें, मॉइस्चराइजर, अच्छे वाले जो स्टेम सेल थेरेपीज होती हैं वो अप्लाई करें। क्रीम्स बहुत सारी आती हैं और फॉर गुड मॉइस्चराइजर यूज डे मॉइस्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम विच विल मेक आपका स्किन को हेल्दी, एंड इसमें वो शेयर बटर और विटामिन ई भी है, तो आपकी स्किन ग्रो देगी और ड्राइनेस को ख़त्म करेगा। तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक मैंने लिया आज, पांच चीज़ें जो आपको नहीं लगानी चाहिए आपके फेस पे। मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल बटन को दबा दो ताकि आपके पास नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई वीडियो बनाऊं तो फट से पहुंच जाए। मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की डॉक्टर अरविंद गुप्ता, वहाँ पे हम लोग मिलेंगे, वहाँ पे हम लोग बात करेंगे, कोई भी डाउट है आप मुझसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, यहाँ पे भी ये वीडियो कैसा लगा मुझे बता सकते हो।